तो इस दवाई से इनकी पाचन की दोस्त के रखता हूँ। मेरी ईमेल अंदर बैठी हुई है, बजीज का सीड मिक्स है। बजीज को दोस्तों छोटे सीड्स काफी ज्यादा पसंद होते हैं और बड़े सीड वो आसानी से खा भी नहीं पाते, इसलिए मैं इनका सीड मिक्स अलग से बनाकर तैयार करता हूँ। इस सीड मिक्स में कंगनी बाजरा जैसे सीड्स हैं और कुछ मात्रा में मैंने सनफ्लावर सीड और कुसुम के बीज भी मिलाए हैं। अगर आपके बजीज का खाना हेल्दी होगा तभी तो आपके बजीज हेल्दी रहेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं ब्रीडिंग फार्मूला की। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बजीज को हीट पर लाने के लिए और अच्छी ब्रीडिंग के लिए सॉफ्ट फूड काफी ज्यादा जरूरी होता है। मैं अपने बजीज और लब्बर दोनों को ही दिन में एक बार सॉफ्ट फूड जरूर देता हूँ। इस सॉफ्ट फूड के अंदर मैंने कई सारे सीड्स मिला रखे हैं। इस सीड मिक्स के अंदर दोस्तों गेहूं, चना, मूंग की दाल, सोयाबीन, लोबिया जैसे सीड्स मैंने मिला रखे हैं। दोस्तों इनके सॉफ्ट फूड में मैं ये मिलाकर देता हूँ। इनके सॉफ्ट फूड में मैं जब भी इन्हें देता हूँ तो मैं हमेशा एक बूंद इम्यूनिटी बूस्टर डालकर जरूर देता हूँ। दोस्तों इस दवाई से इनकी पाचन क्रिया भी ठीक रहती है और बजी बीमार भी नहीं पड़ते हैं। न्यूट्रिशन प्रोफाइल दोस्तों आप यहाँ से चेक कर सकते हो स्क्रीनशॉट लेकर। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपके चाहे बजीज हो या लब्बड़ या कॉकटेल, आप ये दवाई इन सबको ही दे सकते हो। और आप लिंक की टेंशन मत लेना क्योंकि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में पहले से ही दे दिया है। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ सबसे ज्यादा जरूरी चीज, अगर आप अपने बर्ड्स को ऑस्टोवेट नहीं देते हो तो आज ही से देना शुरू कर दो। ये सामने विमरल है दोस्तों, यहाँ पर पढ़ो क्या लिखा है कि आपको 1 लीटर ऑस्टोवेट में 60 ml विमरल मिलाना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों आप इनके पानी में ये दे सकते हो। मैं तो हफ्ते में 3 बार इन्हें देता हूँ। इनके पानी में 2-3 बूंद डाल देता हूँ। अगर आपने अपने बजीज के लिए ये मिनरल ब्लॉक नहीं लगाया है तो दोस्तों ये भी लगाना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों मैंने इस मिनरल ब्लॉक का रिव्यू कई बार अपनी शॉर्ट्स में किया है और जिन दोस्तों ने इसको यूज किया है वो इसका रिजल्ट भी जानते हैं और मुझे कमेंट करके उन्होंने बताया भी है कि भैया इसका रिजल्ट काफी ज्यादा अच्छा आया है, इसीलिए भैया मैंने तो अपने सारे केज में लगा रखा है। बजीज देखो कैसे पापा के साथ खेल रहे हैं, सारे बजीज पापा से चुपके रहते हैं पूरे दिन। ब्रीडिंग के लिए दोस्तों एक चीज और इम्पोर्टेंट होती है, वो होती है कटल फिश बोन। दोस्तों इसे हिंदी में समुद्री झाग भी बोलते हैं। वैसे तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी का खिलाते हो, पर मैं तो बोल्ट्स कंपनी का खिला रहा हूँ क्योंकि मुझे इसकी क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी लगती है। और मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो मैंने इनके केज में ये डाल भी रखा है। समुद्री झाग खाने से बर्ड्स की पाचन क्रिया भी काफी ज्यादा सही रहती है, इनका पेट भी खराब नहीं होता। अगर दोस्तों आपने लवबर्ड्स भी पाल रखे हैं तो आपको लवबर्ड्स को भी यही सब चीजें देनी है, इससे आपके लवबर्ड भी ज्यादा जल्दी ब्रीड पर आ जाएंगे। और मेरी बात का यकीन मानना दोस्तों, अगर आप ये सब अपने बर्ड्स को देते हो तो आपके बर्ड धूम मचा देंगे और कुछ ही दिन में आपके घर पे अंडे और बच्चों की बारिश होनी शुरू हो जाएगी। तो मेरे भाइयों और बहनों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना।